देवप्रयाग में बादल फटने की सूचना पर हड़कंप मच गया। दर्जनों घर दुकानें तबाह हो गईं। एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हुए। बता दें कि देवप्रयाग में प्राचीन ऐतिहासिक शांता नदी में दशरथांचल पर्वत के आसपास कहीं बादल फटने की सूचना मिली है, जिसमें बस अड्डे के पास स्थित देवप्रयाग नगर पालिका के कार्यालय वाली पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। इसमें आईटीआई व अन्य प्रतिष्ठान भी थे। जान माल के नुकसान का अभी सही आकलन नहीं हो पाया है। आजकल प्रदेश में कहीं पहाड़ी जिलों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। कोरोना काल में इस प्रकार बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि देखी जा सकती है। क्या प्रकृति कुछ संकेत तो नहीं दे रही? UP City News, जुड़ी है उत्तर प्रदेश से।